एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण क्या है कि आप हार्डवेयर आपकी यहां बैठी है और सॉफ्टवेयर कहीं और है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप सचमुच अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करना चाहते हैं तो आज से आपको क्या सीखना पड़ेगा भाई साहब? आप बहुत गंभीर हो गए हैं, आज का विषय गंभीर नहीं है। अगर हमें अपने आप को तनाव से मुक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? आप भी बहुत गंभीर हो गए, आज का विषय गंभीर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपकी हार्डवेयर तो यहां है, हार्डवेयर माने आपका तन यहां है, लेकिन मन कहाँ है मैडम? कहाँ है मन? कहते मन तो थोड़ा बाहर घूमने चला जाता है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। अगर ये करेंगे तो फिर कार्यक्रम में मजा नहीं आएगा। दुविधा में दोनों गए और न माया मिली। तो इसलिए अगर सचमुच आपको कार्यक्रम का लाभ लेना है तो बी हियर 100%। इसलिए मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा। भाई साहब आप तैयार हैं? मैं प्रश्न बहुत पूछता हूं, ठीक है? ताकि एक के बहाने सबका ध्यान यहां अंदर आ जाएगा। जब मैं दिल्ली से चला सवेरे तो मैंने इस हॉल का विजन अपने मन में तैयार किया कि सभी लोगों के हाथ में डायरी होंगी, पेन होंगे और वो अच्छी अच्छी बातों को नोट करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं यहां तो कुछ और ही नजारा है। बहन जी कहती है सब दिल पर नोट करेंगे, देखो आपका पक्ष ले रही है, ठीक है? ये बात हमने ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी से सीखी। वो यहां थोड़े समय पहले आए थे, आप जरूर मिले होंगे, टीवी में देखते होंगे उनको। तो दादी जी आज 102 साल की हो गई हैं और वो कहती हैं मैं सारी जिंदगी अपने नोट्स लेती रही हूं। तो अगर हमें टेंशन फ्री होना है तो उसकी एक विधि क्या हो सकती है भाई साहब? आप खड़े ना रहे, उधर बैठिए प्लीज, खड़े ना रहिए, बैठिए, उधर जगह बहुत है। अगर हमें तनाव से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा भाइयों बहनों? आज से क्या करेंगे? अच्छी बातें अपनी डायरी में नोट करिए। जब हम कोई चीज उंगलियों से हाथों से लिखते हैं तो हमारी उंगलियों का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। उंगलियों का कनेक्शन किसे है? तो जो बात लिखी जाती है वो बात पक्की हो जाती है, ठीक है? आज माफी कोई बात नहीं, लेकिन आगे से क्या करेंगे? जब भी किसी ऐसे आयोजन में जाएंगे तो हम अच्छी बातों को नोट करेंगे। मैंने जब एमबीए किया मुझे पता है इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, इतने बल्कि बुक्स, लेकिन जब परीक्षा आई तो किसी पुस्तक ने मेरी मदद नहीं की। इम्तिहान के समय कोई बुक मेरी मददगार नहीं बनी। अगर किसी चीज ने मेरी सहायता की तो वो थे मेरे लिखे हुए नोट्स। तो वहां एमबीए का इम्तिहान तो 6 महीने में एक बार ही होता था, लेकिन कपूर साहब यहां क्या हो रहा है जिंदगी में? अब मुस्कुरा नहीं रहे, आज मुस्कुराना पड़ेगा ना सबको। यहां क्या हो रहा है? यहां तो हर क्षण इम्तिहान है। आप यहां से बाहर निकलेंगे, एक स्कूटर वाला आपकी गाड़ी से आगे निकल गया। अब आपको कैसा लगता है? क्यों निकला आगे? फिर आपने अपनी गाड़ी तेज दौड़ाई, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आप स्कूटर वाले से आगे निकल गए लेकिन यात्रा का सफर चला गया, यात्रा का आनंद चला गया। तो भाइयों बहनों जो बातें आज यहां चर्चा हो रही है उनका पेपर, उनका एग्जाम, उनका इम्तिहान हर क्षण होता है, ठीक है? राइट। तो अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। किस किस को तनाव होता है जरा हाथ उठाएंगे? हाथ उठाइए प्लीज, उठाइए, आप पूरा उठाओ, ये एक्सरसाइज है आपको पता है, हाथ पूरा उठाए। डॉक्टर कहते हैं हाथ में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारा हाथ कभी सीधा नहीं होता भाई साहब, पूरा हाथ उठाइए, हाँ पूरा, जैसे मेरा है ना। हाँ वेरी गुड, ताली बजाइए अपने लिए। हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमें टेंशन होती है। तो आप सब टेंशन से मुक्ति चाहते हैं? हाँ जी या ना जी? लगता है आप कहीं और हैं, यहां नहीं है, जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा।
आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं? कौन कौन मुक्ति चाहते हैं फिर से हाथ उठाइए। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है आज। अच्छा, महिला शक्ति शायद नहीं चाहती है, या तो कहती है हाथ उठाने का भी हम क्यों कष्ट करें। नहीं, जब बोला जा रहा है तो जरूर हम हाथ उठाएंगे। तो अगर आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो व्हाट इज द वे आउट, क्या तरीका है उसका बताइए। मैं आप सबको आज के प्रोग्राम में चाहता हूं कि पार्टिसिपेट करें आप सभी। मंच बोले और आप सुनते रहें मैं ये नहीं चाहता हूं। बताइए, अपने आप को टेंशन से फ्री कैसे करें? भाई साहब जो सफेद रंग की पोशाक में बैठे हैं, हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, आपका नाम? बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा अंकुश भैया। हाँ जी बोलिए, कहते पूछिए, क्या सवाल पूछा अंकुश भाई? और कोई नहीं बोलना, बताइए। कहते जो बोले वो कुंडी खोले, शांत रह सकते हैं? पॉसिबल है? कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। ओके, नेक्स्ट भाई साहब, आपका नाम? हाँ बोलिए, कुछ बोलते नहीं आज, मौन है, बैठ के बोलिए जी। हाँ बोलो अतुल भाई जी। सर बताइए, टेंशन से मुक्त कैसे होंगे? सर इसीलिए तो आपके पास आए। अच्छा, इसीलिए हमारे पास आए हैं। वाह, वेरी गुड, क्या नैले पे नैला लगाया है देखो। और नेक्स्ट ब्रता जी, आपका नाम? विनोद। विनोद भाई बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। मुस्कुरा तो रहा है आपकी बातें सुन के। वेरी गुड, बताइए विनोद भाई। यही तरीका है, ऐसे प्रोग्रामों में जाते रहे, सीखते रहे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएंगे टेंशन से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम हॉस्पिटल में चले जाएं, इंजेक्शन लगवा लें, कोई दवाई ले लें, तो हमें टेंशन से मुक्ति हो सकती है? पॉसिबल? हाँ जी या ना जी? क्यों क्यों नहीं हो सकती? कारण बाबूजी जो सेकंड लाइन में बैठे हैं, आज मैं टीचर बन गया हूं, आपसे पूछ रहा हूं, लोग पीछे देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ बैठिए बाबूजी, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ सचिन साहब हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में तो मैं टीचर बन गया हूं। बताइए, अगर हमें टेंशन से मुक्त होना है तो क्या हम हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा लें, कोई दवाई ले लें, हमारी टेंशन दूर हो सकती है बाबूजी? नहीं। क्यों? टेंशन तो भाव है दिल का और दिमाग का। अच्छा, दिल और दिमाग में है। अगर हम टेंशन मुक्त होना चाहते हैं जी, तो उसके बारे में सोचें। सोचे नहीं? हाँ, मस्त रहे, चर्चा हम करते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। कहते हैं सर होगा ही नहीं, कहते हैं कबूतर ने आंखें बंद कर ली, कहते बिल्ली है ही नहीं, लेकिन बिल्ली तो कबूतर को खा गई। और कोई सवाल इधर से? सेकंड लाइन में जो बैठे हैं भाई साहब, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? बताइए आपका नाम? अनूप। बताइए अनूप भाई जी, टेंशन के लिए क्या करें? कहां है टेंशन? दिमाग के अंदर। और दिमाग कहां है? दिल के अंदर। और दिल कहां है? शरीर के अंदर। और शरीर की तो दवाई सारी मेडिकल साइंस के पास है, वो तो मैं टेंपरेरी रिलीफ दे सकता हूं। अच्छा, टेंपरेरी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। परमानेंट नहीं मिल सकता। एक बार ये व्यक्ति दिल्ली से कानपुर आया और उसने पूछा भाई साहब मंदिर कहां है, तो हमारे प्रमोद भाई, आपका नाम? अनूप। अनूप भाई ने कहा गुरुद्वारे के सामने मंदिर है, तो उस व्यक्ति ने पूछा गुरुद्वारा कहां है, कहते वो मंदिर के सामने, और कहते दोनों आमने सामने। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर टेंशन कहां है? अगर बॉडी में है तो मेडिकल साइंस तो हमारी बॉडी को क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। फिर मेडिकल साइंस में स्ट्रेस की, टेंशन की, डिप्रेशन की दवाई क्यों नहीं है? इस बेसिक बात को आज हमें समझने की जरूरत है। कौन बताएंगे भाइयों बहनों? स्ट्रेस टेंशन हमारी बॉडी में नहीं है, दो चीजें हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, एक है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर तो ये है जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है भाई साहब? आज सबको जवाब दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या है?
सॉफ्टवेयर क्या है? दिमाग, दिमाग, आत्मा,